स्वागत आप लोगों का नई वीडियो में। तो भाई आज अपने पास है क्रेटा का नाइट एडिशन, जो कि अपने 17-18 लाख में दो आते हैं इसके। भाई एक तो टॉप एंड में आता है, नीचे आता है, उससे फीचर्स की दो थोड़ी बहुत कमी है, सारी चीज़ें भाई से कवर करेंगे। और ये भाई ने ले रखी है, भाई ने 8-10 महीने में इसको 25,000 किलोमीटर चला दिया, पूरी ऑल टेरेन में चला दिया, सारी टेरेन पर जा चुकी गाड़ी है इन अलॉयज के साथ। तो आज सारी चीज़ें कवर करेंगे भाई, क्या कुछ माइलेज दे रही है, इस पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब तो क्रेटा बदल चुकी है भाई, तो क्रेटा लेने में फ़ायदा नहीं है क्योंकि अपना डीजल वेरिएंट रहने वाला है। बाकी भाई ने जो गाड़ी बनवा रखी है वो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, कितनी लोडिंग्स करवा रखी है, अलॉय प्लस सिस्टम वगैरह जो भी लगवा रखा है वो आज की वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्योंकि दीक्षित भाई भाई बाकी सारे वीडियो में अपने भाई दिख रहे होंगे, क्योंकि ग्रुप में भाई को ही सारी गाड़ियों की नॉलेज है और भाई ने ही बेसिकली सारी लोडिंग्स करवाई है ना भाई। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। तो बाकी भाई अपना कौन सा मॉडल रहने वाला है? ये एस प्लस 2023 10 महीने पुरानी। ये नाइट एडिशन अपनी है ना भाई? डीजल। और ये जो 17-18 लाख वाला आता था गुड़गांव में ऑन रोड है ना, वही वाला है ना भाई? 18-10 कुछ की है भाई, ऑफर मिल गया था तो 17-80 पड़ी थी। एक टॉप मॉडल में आता है इसका जो बिल्कुल टॉप एंड वाला, वो इसलिए महंगा है, वो ओवर प्राइस लगती है। हाँ ये सब सारी चीजें कवर होगी भाई, दिखा देंगे आपको। बाहर तो बेसिकली टॉप ही है ना भाई, बाहर से तो फ्रंट में देखा जाए ये इसके ट्राई बीम एलईडी आ रही है, डे टाइम रनिंग लाइट आ रही है। भाई नीचे कुछ करवाया आपने जैसे दिख रहा प्रोजेक्टर? प्रोजेक्टर वाले 3 इंच के प्रोजेक्टर लगवा रखे हैं भाई ने, 3 इंच वाले भाई। थ्रो बेस्ट है, फिल्म के साथ बेस्ट है, वैसे खत्म थे, वैसे खत्म थे। कंपनी के जो आते हैं वो तो खैर हैलोजन आते हैं ना भाई, हैलोजन थे, उसमें एलईडी भी लगवाई, बट यार बात ना बनी, बात नहीं बनी, अपने प्रोजेक्टर लगाए, प्रोजेक्टर में ही फील है भाई, एलईडी नहीं लगती उसमें फॉग लैंप है भाई। अगर ऊपर की लाइट ठीक है तो एलईडी ओके, बट इसकी तो लाइट पता ही होंडे की खत्म लाइट है। ये बात भी सही है भाई, कोरियन की वजह से बना रखी है। बाकी भाई नंबर प्लेट का क्या सीन है? बिल्कुल ब्लैक करवा रखी है, बिल्कुल चलान इस पे भी है, चलान सब पे ही है, इसको भी छुपा लेते हैं, पूरी लीगल है गाड़ी अपनी देखा जाए तो भाई। और साइड में आए तो भाई साइड में है मेन काम, तो भाई ने जो करवाया भाई, क्या साइज रहने वाला है अपना लॉय का? 20 इंच 255 में तो भाई, लेकिन मजे फील देती हो गाड़ी, गंदी देख रहे हो भाई, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है भाई। हाँ थोड़ा टायर बाहर है, चौड़े भी तो पूरे है भाई, देखना कितना चौड़ा टायर है देखा जाए तो भाई। ये देख लो भाई 255/35 R20, ये अपना टायर साइज रहने वाला है भाई। मतलब अभी तो खैर बारिश का सीजन है तो ये ड्रॉबैक है। क्या कुछ है भाई, बबलिंग वबलिंग मारती गाड़ी? नहीं, अपने 20 इंच में कोई बबलिंग नहीं मारती, 182 गई 20 इंच में। भाई ने सारी गाड़ी रफ एंड टफ सारी चेक करी, अब डर लगता है भाई। आपने जैसे अभी बता रहे थे ऑफ रोडिंग भी करी इस गाड़ी के साथ, वीडियो डाल दूंगा भाई मैं क्लिप में, अभी भाई ने अपने ऑफ रोडिंग करी है भाई, अपनी सही ऑफ रोडिंग कर दी ना लॉइस में, इसमें मिल गई थी यार इनमें ऑफ रोडिंग नहीं होती भाई। हाँ लॉइस में, लेकिन भाई करने के लिए जिगर चाहिए, कर लो यार भाई, सब करना करनी है तो कर लो, सही बात है भाई, बेकार है इन गाड़ी के साथ आड़ करनी भाई। हाँ अलॉयज के साथ तो बेस्ट, टूट जूट जाए सो बात है। तो भाई चाइनीज अपने कौन से? इसमें चाइनीज आता भाई, चाइनीज आता है अपने 20 इंच में ना भाई। और बाकी पीछे का देखा जाए तो पूरी गाड़ी क्लीन है, कोई क्रेटा की बैजिंग नहीं है, करवा हटवा दिया भाई ने, बस एक नाइट की बैजिंग कर रखी है, यहाँ पे क्रेटा लिखा था वो हटवा दिया यार, वो पीपीएफ हुई थी ना, इस पे करवा लगी नहीं लगवाई ना, वो खो दिए यहाँ भाई ने, अपने राव साहब की बैजिंग करवा रखी है, छोटी सी नंबर प्लेट लगवा रखी है, आगे तो खैर है ही पूरी ब्लैक भाई, पीछे कुछ नहीं करवाया अपना इसमें, बाहर से ऑलमोस्ट स्टॉक है, कंपनी सारी चीज दे रही है इसमें, और ये पीछे चोटी लग रही भाई, नजर वजर लग जाए गाड़ी का ना भाई, सही बात है, वो तो देखो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। जो कि इंटीरियर पे तो ये अपना कुछ स्टॉक इंटीरियर है भाई ने, ऐसा कुछ करवाया नहीं अंदर है भाई, स्टॉक है अपना पूरा। हाँ भाई स्टॉक है, कुछ काम नहीं करवा रखा, मैनुअल आती है भाई, ऑटोमेटिक भी आती थी अपनी इस रेट में, इसमें नहीं आती भाई, वो टॉप एंड वाला आता है जो 22-23 लाख है, वेरिएंट है एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल, एक जी 17-18 का है भाई, उसमें पूरी अपनी 10 इंच वाली आती है, इसमें 8 इंच वाली स्क्रीन आती है, मीटर उसमें डिजिटल आ जाता है, ये दोनों अपने एनालॉग आते हैं। सबसे बेकार चीज है इसमें अल्काज़ार का लगवाएंगे, अल्काज़ार का लगाओगे मीटर हो जाएगा भाई चेंज? मीटर चेंज होगी, फ्रेम वगैरह बदलवा देंगे भाई, जितना हो पाएगा सब बदलवा देंगे भाई। क्या कुछ माइलेज है इसकी? इसकी तो बहुत बढ़िया भाई, वरना फेल है इसकी माइलेज का आगे, माइलेज का आगे। हाँ स्विफ्ट फेल है, स्विफ्ट डीजल में, स्विफ्ट पेट्रोल तो बहुत ज्यादा है भाई। लो भाई इतनी बढ़िया माइलेज दे रही है गाड़ी भाई, माइलेज के कोई एग्जांपल दोगे क्या कुछ? भाई देखो मनाली गए थे, हाँ भाई, तो भाई मनाली तो बढ़िया घूम फिर के आगे 7,500 के उसमें तेल में, लद्दाख चली जावे 12,000 तो भी कम में। लो भाई लद्दाख तो घुमा लो, गुड़गांव से अपना कितना पड़ गया लद्दाख? 2,000-2,200 किलोमीटर पड़ गया आना जाना घूमना भाई, 23-24 तो नीचे ना हाईवे पे, लोकल में 15-16 तक कभी नीचे ना। और भाई इन अलॉयज में? इनमें ही चलाई हमने, 700 किलोमीटर चला के नहीं लगवा ली, आती चेंज करवा दी अपने 700 किलोमीटर भाई। कितनी चला दी? 24,914 ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर कितने महीनों में? 10 महीने में कैसा रिस्पॉन्स है भाई गाड़ी का? बढ़िया भाई, आज तक गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। कंपनी में?
कंपनी यार उनने ही है तो बढ़िया ही है, सर्विस वगैरह सब ओके रिपोर्ट सब कुछ ओके है। इसमें डी एफ जो भी डलता है वो डलता है भाई इसमें यार, बेकार सिस्टम है समझते बार। और भाई इसमें मतलब यार गलत दिखावा एक चीज देखना, अब इसमें अभी डला था सर्विस पे, अब ये देखिए कितना दिखा रहा है। हां भाई ये तो गलत दिखा रहा है, इस सिस्टम में दिक्कत है, क्या दिक्कत है? ये दिखा स्टार्टिंग थी इतना ही दिखा रहा है। अच्छा आधी टंकी तो ऊपर ज्यादा दिखा रहा है, यूरिया लेवल अपना है। ये कंपनी वाले फॉल्ट कर रहे हैं, टेक में ही दिक्कत है, इसमें ही होगी मेरे हिसाब से। बाकी भाई चेंज सर्विस पे ही होता है, बीच में डालना पड़ता है भाई, बीच में कदम डालना पड़ा, दो बार तो सर्विस होली गैली डल है, 900 का डला है ना, सॉरी 9 लीटर डल है, 900 कहां डलता है, ये तो सस्ता ही डलता है, 900 का डलता है, 900,000 का 9 लीटर डला है इसमें टोटली, बट इसमें अभी डला था ना 20,000 पे 6 ही आया। और क्या क्या करवा रखा भाई अपने इंटीरियर में? भाई इसमें एक तो इंटीरियर तो भाई छेड़ा ही ना है, इंटीरियर छेड़ा ही नहीं है, सिस्टम छेड़ा छेड़ेंगे अभी अभी इसको बना देंगे, इसके सब कुछ जाना है, पियानो कराएंगे भाई, डिप वगैरह पूरी गाड़ी दोबारा ले लेंगे भाई से रिव्यू, ये सब भाई सब पैनोरामिक सनरूफ आती थी अपनी है, तभी तो ये मॉडल ज्यादा बिक रहा है भाई, ये मॉडल वैल्यू फॉर मनी था अपना उस टाइम का। और ये डीजल अब तो भर बंद हो चुकी है, अब तो पेट्रोल आती है ना यार, आ रही है अभी आ रही डीजल, अभी आ रही है डीजल आ रही है, बट ये नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, ये अपना नाइट एडिशन अब हो चुका है, अब नई शेप भी आ रही, नाइट भी नहीं आ रही उसमें, तो नाइट एडिशन आती नहीं है उसमें, अपनी एनलाइन आती है, इसमें एनलाइन नहीं आती थी, उसमें एनलाइन आती है, वो लुक कितना बढ़िया है उसका, क्रेटा का भाई सिस्टम में क्या क्या लगवा दिया इसमें? इसमें देखो 160 RMS की तो मिड लग रही है, अच्छा 2 सेट ट्विटर के 3 सेट एम्प लग रहे हैं, डिग्गी में बूफर है, सब बूफर है, 1200 RMS BA का, तो वो मतलब ये कई बार दिक्कत कर जाती इसमें सनरूफ है, ये हिलती है ना तो मेरे को लगता है कहीं लीक ना कर जाए यार, फिर वो वारंटी तो आउट हो ही जाएगी अगर उनको दिखेगा बुफर का, चेंज करवा लेना भाई, चेंज करवा के चले जाना, वो तो सिस्टम हैंग कर देंगे। भाई एक बार इनको बजा के दिखा दो अब एक बार, कितने क्या सिस्टम लगवा रखा है भाई? ओवरऑल कॉस्टिंग पूछ रहे हैं? हाँ ओवरऑल कॉस्टिंग अपनी 60-70 प्लस होगा, 60-70 हज़ार में मतलब पूरी सेटिस्फाइंग है, ये सेटिस्फाइंग तो नहीं कह सकते भाई इसमें, लेकिन एक ये अपना अपना टेस्ट है ना भाई, क्योंकि मैं नहीं सुनता तो मेरे को नहीं लगता भाई, भाई मतलब सारी गाड़ियों का रिव्यू भाई अपना आप देते हैं, लेकिन ये है कि भाई का जो उनका टेस्ट थोड़ा हैवी होगा, तो भाई जिसकी गाड़ी है हाँ। उसके अकॉर्डिंग तो भाई ओके है, उसके अकॉर्डिंग ओके पैसे खर्च दिए तो भाई ओके है उसके, भाई इतने सिस्टम के बाद एक बात बताओ आप अपने अकॉर्डिंग गाड़ी में मतलब प्लास्टिक व्लास्टिक बजने लग जाए ना भाई, ये तो कंपनी से बचता है इसका स्टार्ट, ये तो क्रेटा में है ये एक, तो अब ये ऐसा ही हर जगह से बच जाएगा थोड़े दिन में, हाँ तो ये है, लेकिन भाई प्लास्टिक बजने लगे ना वो आने वाले टाइम पे दिक्कत देते हैं, ये भी बदलवा रखे है ना भाई अपने, ये लगवाए हमने ट्विटर 2 सेट लगे, एक इसमें और तो ट्विटर नहीं आते, कंपनी वाले ट्विटर तो नहीं आते ना इसमें, हाँ इसमें आते हैं इसमें, इसमें ये है भाई, हाँ ये रहा भाई है ट्विटर, ये रहे ट्विटर, इसमें ये तो चेंज नहीं करवाया अपने, ये नहीं चेंज करो, ये स्टॉक ही है, इनमें वैसे भी कुछ ना लग पाएगा अंदर, हाँ ये खैर क्या ये छोटे छोटे स्पीकर होंगे इतने इतने, बाहर लगेंगे अगर लगवाने, हाँ बाहर निकल जाएगा फिर वो अच्छे नहीं लगेगा, एक इलीगल चीज हो रहा है भाई अपनी गाड़ी में, इलीगल तो क्या है भाई, वो भी अपने मजे वाली चीज है, खामा खाएगी, हाँ भाई खामा खाएगी। भाई फायदा तो होता होगा हाईवे पे, हाँ यार हम जैसे मान लो उत्तर प्रदेश के यूपी चला यार एक बार, तो वहाँ 2-3 टोल पे बजा दिया है, फायदा हो गया, जेड पे लेके उन्होंने खोल दिया, यहाँ पे पुलिस का वो भी लग रहा था स्टिकर, लो भाई उन्होंने खोल दिया, कोकिला बन गया वहाँ पे, मंदिर में एंट्री ना दे रहा था, एक गाड़ी हमारा आगे बैक कराई, हमने बजा दिया खोल दिया, लो भाई पहली बार 9,000 वसूल लिया, होटल का पूरा फायदा है, 9,000 का होटल लग रहा अपना इसमें भाई, भाई इसमें ऊर्जा का एम्पायर, दो बाल्टी अपनी सेट है मामला, तो भाई ये फुल सेटिस्फाइड हो क्रेटा से है भाई, भाई क्रेटा गाड़ी ओके, डीजल में लेनी है आंख बंद करके ले लो नई वाली ले लो भाई, फिर बंद होने वाली है थोड़ी दिन में, डीजल भी है बंद होने वाली, नहीं डीजल में क्रेटा बंद होने, शायद इलेक्ट्रिक आ रही है ना भाई, अब भाई सीएनजी भी तो बता रहे थे, कौन कह रहा था मतलब मैंने रूमर से देखा था, रूमर से होंगे, खैर सीएनजी इलेक्ट्रिक के भी चल रहे हैं, तो वो अपने अपने ऊपर, अपना कुछ रिव्यू आज का अपनी क्रेटा का, भाई ने जो जो लोडिंग्स करवा रखी है सारी कुछ भाई फील है, कुछ भी कहो सिस्टम के साथ, और गाड़ी में माइलेज आर पार की दे रही है, आंख बंद करके ले लो, और जो की बात डीजल की रही, डीजल आज भी आ रही है फुल फील डीजल की, उसमें भी है डीजल की भाई, आंख बंद करके ले लो, माइलेज वाइज और सब चीज़ में क्रेटा टॉप पे है भाई, कह तो नहीं स्विफ्ट से भी अच्छी माइलेज देती है क्रेटा, तो ये था भाई आज का अपना कुछ रिव्यू, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना।